इनकी आंखों को मैं देख के इतना कोमलता दिन नजर आती है इनके, मतलब इतना मासूमियत नजर आती है जानवरों के चेहरा देखकर ही। तो लोग इनको काट के कैसे खा लेते हैं, इनको मार के कैसे खा सकते हैं, ये क्यों इनकी क्यों खाते हैं ये लोग? नमस्कार, मेरा नाम अंजलि कौशल है, मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करती हूँ। मुझे आनापान सती ध्यान के बारे में मेरी सिस्टर ने मुझे बताया था सबसे पहले 2021 में। उस टाइम से मैं, उन्होंने लिंक मुझे भेजा, जोरबा द बुद्धा का लिंक भेजा कि ये ज्वाइन करो। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं करना, इसमें पेमेंट वगैरह लेते होंगे। तो मैंने, क्योंकि जॉब 2 साल से हम, मेरे हस्बैंड और मैं दोनों की जॉब 2020 में चली गई थी, उसकी वजह से मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी कि कोई पेड मेडिटेशन ज्वाइन करूं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ये बिल्कुल फ्री है। तो उस टाइम मैंने फिर उसी दिन से ज्वाइन किया PMC जोरबा द बुद्धा ज्वाइन किया। उस टाइम उसके बाद फिर मैंने अपनी कज़न्स बुआ जी के बच्चों को भी बताया, तो उन्होंने भी शुरू करा ये वाला ग्रुप। तो तब से हम ध्यान कर रहे हैं, और ध्यान से मतलब काफ़ी, मतलब ध्यान ये मतलब बहुत अच्छा, मैं आसान लगा मुझे पूजा पाठ से। मतलब पूजा पाठ मेरा 2010 से छूट गया था, पहले भी मन नहीं लगता था कि कैसे पूजा पाठ में उन लोग मतलब बोलते क्या रहते हैं, मंदिर में जाके पूजा करते हैं क्या बोलते रहते हैं, मुझे यही रहता था ये सब लोग क्या बोलते हैं, मुझे समझ नहीं आता था। करते थे पूजा पर उतना मन से नहीं कर पाती थी मैं। 2010 में मेरे बेटे के होने के बाद से बिल्कुल ही छूटता गया धीरे धीरे। तो ये जब मुझे पता चला ये इतना आसान उपाय है, मतलब पूजा मतलब ध्यान का, ये आनापान सती ध्यान बहुत अच्छा लगा मुझे कि कभी भी कहीं भी बैठ के हम कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसे रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कोई आसन लगाना है या कोई माला जाप करना है या कुछ भी करना है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा इस माध्यम, और इसीलिए फिर मैं जब से मैंने, मुझे पता चला, मैं सबको बताती हूँ कि ये ध्यान इतना आसान है, इससे आप मतलब काफ़ी चीज़ों के ऊपर मतलब अपनी समस्याओं को हल कर सकते हो। तो उस टाइम से हम ध्यान कर रहे हैं सारा परिवार, मेरे हस्बैंड भी करते हैं, और मेरी मतलब सिस्टर जेठानी को भी मैंने बताया, वो भी, उन्होंने भी शुरू कर दिया, जय जेठानी ने भी। तो जहाँ भी मैं जाती हूँ मेरे को और कोई बात अब मन ही नहीं करता कि कुछ करूँ, यही बात बताने का मन करता है कि सब आप ध्यान करो। जो भी मुझे समस्या में दिखता है, जिसको भी बीमारी, शुरू से मतलब मुझे रहता था कि कुछ किसी तरीके से लोगों की हेल्प करनी है, पर समझ नहीं आता था कैसे सोशल वर्क कैसे किया जाए। तो जब से ये ध्यान का पता चला है कि इतना ईजी मेथड है, कोई भी अपने आप को खुद ही कर सकता है, दूसरे की हेल्प की ज़रूरत ही नहीं है, तब से मैं सबको बताती हूँ। और ये JTTP ज्वाइन किया था हमने 2022 में, तो तब से उसमें सारिका मैम का सुना तो और बहुत अच्छा लगा उनका, उनके ब्लेसिंग ग्रुप्स के साथ भी जुड़े हम, और तब से हम ये ब्लेसिंग ग्रुप वाला मेडिटेशन भी करते हैं 7 से 8 वाला। उसमें ही हम सोच भी नहीं सकते थे कि इतनी दूर हम आएंगे, कभी नहीं इतनी दूर आने का सोचा भी नहीं था हमने कभी कि उड़ीसा हम आ पाएंगे, मतलब अंतर यात्रा हम अटेंड कर पाएंगे। तो वो बहुत अच्छे से हम अटेंड कर पाए, मतलब ये ध्यान का ही चमत्कार है। और शुरू से ही हम मतलब शाकाहारी तो शुरू से ही रहे हैं, बचपन से शाकाहारी रहे, शुरू से ही मुझे लगता था लोग कैसे खाते हैं ये जानवर, इतने मतलब इनकी आँखों को मैं देख के इतना कोमलता दिन नज़र आती है इनके, मतलब इतना मासूमियत नज़र आती है जानवरों के चेहरा देख कर ही। तो लोग इनको काट के कैसे खा लेते हैं, इनको मार के कैसे खा सकते हैं, ये क्यों क्यों खाते हैं ये लोग? तो हमेशा मन में यही रहता था कि मतलब नहीं खाना चाहिए हर किसी को, मतलब बेकार चीज़ है मतलब। और ब्राह्मण परिवार में होकर जब मेरे कज़न्स खाते थे तो मुझे लगता था कि ये मतलब ब्राह्मण परिवार में होकर भी ये खा रहे हैं, तो दूसरों को तो हम क्या ही बोलेंगे। तो मुझे बहुत बुरा लगता था ये, मतलब जब कोई नॉन वेज खाता है। तो ध्यान में जब आई थी मैं, मेरी सिस्टर ने मुझे बताया था, मतलब पत्री जी 2021 में दिल्ली आ रहे हैं अगस्त महीने में, तो उसको उनको बहुत फील हो रहा था कि तुम यहाँ होती तो तुम भी मिल पाती, मतलब पत्री जी हर किसी से मिलते हैं, मतलब बहुत अच्छे हैं। तो मुझे भी था तो था मन, पर जा नहीं पा रहे थे, तो कोरोना उस टाइम चल ही रहा था उस टाइम, इसलिए मतलब उनको मैंने कहा कोई बात नहीं, मिल अगर किस्मत में होगा ज़रूर मिलेंगे। तो जब पंचकूला पत्री जी ने आना था उस टाइम कोई डिसाइडेड नहीं था उनका प्रोग्राम पंचकूला का, तो 2 दिन पहले मुझे सपने में वैसे ही पत्री जी दिखे जैसे हमारे घर आए हैं वो, और मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं उनको कहाँ बिठाऊं।
और क्योंकि घर छोटा था बहुत, तो जो सपने में जो दिख रहा था वो घर बहुत छोटा था, तो उसमें मैंने समझ नहीं आ रहा था मैं कहाँ बिठाऊँ इनको, मतलब कंफर्टेबल ताकि बैठ के वो ध्यान करवा सकें। तो दो दिन बाद पता चला कि पत्री जी सच में मतलब पंचकूला में आ रहे हैं। तो मैंने कहा देखो पत्री जी आने से पहले ही मुझे दिख गए, मतलब घर आ गए हमारे, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। पत्री जी से मिल के बहुत अच्छा लगा, मतलब इतने गुरुओं के पास जाते हैं, मतलब कभी मतलब सेवादार, मतलब यहाँ का सिस्टम पीएमसी का बहुत अच्छा लगा कि और जहाँ भी कहीं गुरु के पास हम पास पहुँच भी नहीं सकते, मतलब पैर छूना तो दूर की बात है, नज़दीक भी नहीं जा सकते, और यहाँ पर मतलब सेवादार जो भी मतलब मुख्य मास्टर हैं, जो मेन मास्टर हैं, वो हमें आगे करते हैं कि आप मिलो पत्री जी से, मतलब रोका नहीं जाता, मतलब जितनी मर्जी बार मिल सकते हैं हम उनसे, कभी रोका नहीं। मतलब ऋषिकेश में भी हम गए तो वहाँ पर भी बहुत अच्छे से उनसे मिले, मतलब किसी गुरु से आज तक इतने नज़दीक से कभी नहीं मिले हम कभी, तो बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद मैंने पत्री जी जैसे बोलते हैं स्वाध्याय करना चाहिए, तो उसमें स्वाध्याय की सीरीज में मैंने जो उनके रिकमेंडेड पुस्तक में से आत्मा की यात्रा और सीतायन पढ़ी। आत्मा की यात्रा पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि मृत्यु तो कुछ है ही नहीं, मृत्यु तो मतलब एक तरह से हमने शरीर ही वस्त्र ही मतलब चेंज करना है, मतलब जैसे करते हैं वैसे ही शरीर शरीर मरता है, आत्मा तो जिंदा ही रहती है, मतलब मृत्यु तो कुछ मृत्यु का भय थोड़ा ख़त्म हुआ उसके बाद से। और सीतायन पढ़ने के बाद तो ऐसे लगता था जैसे वो पढ़ते पढ़ते ऐसे वो जो जो लिखा हुआ था उसमें सारा ऐसे लग रहा था कि जैसे हमारे सामने ही सब कुछ हो रहा है, उसमें लग ही नहीं रहा था कि मैं बुक पढ़ रही हूँ उसमें, मतलब जैसे जैसे पढ़ रहे थे उसको फील कर पा रहे थे कि उस पुस्तक को इतने अच्छे से मतलब लिखा गया है, वो जो जिन्होंने भी लिखा है मतलब उनका इतना अच्छे से वर्णन किया है, मतलब उसमें मतलब सारा मतलब दृश्य सामने ही नज़र आता था कि ऐसे ऐसे हुआ होगा वहाँ पर। और सीता जी के बारे में जो भी थोड़ी जानकारी इतनी थी नहीं आज तक हमें, उस पुस्तक के द्वारा हमें पता चला कि सीता जी क्या थी, मतलब उनका प्रकृति से कितना प्रेम था और कितना मतलब वो जानवरों से सबसे कितना प्रेम करती थी, और मतलब कितना उन्होंने अपने बलिदान मतलब उन्होंने सब समाज के लिए कितना कुछ किया, हमें पता ही नहीं था इतना कुछ। मेन राम जी का ही पता था, राम जी के बारे में लक्ष्मण जी के बारे में आज तक सुना था, मतलब सीता जी का इतना वर्णन कहीं भी नहीं सुना था हमने। और धन्यवाद इसी के साथ।